और बड़ी सियासी खबरों का। संविधान पर सियासत अब तीसरे चरण से पहले शुरू हो चुकी है। दरअसल तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है और संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी अपनी हर सभा में अब संविधान की प्रतियां लेकर पहुंच रहे हैं और उसे भरे सभा से मंच से दिखा भी रहे हैं। संविधान के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। संविधान के जरिए आरक्षण के मुद्दे को उठाने की तैयारी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि भूपेश बघेल भी ये बात कह चुके हैं कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। अमित शाह का फेक वीडियो भी इसी सियासत का हिस्सा है। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी भी काउंटर की तैयारी में। प्रधानमंत्री हर सभा में संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी संविधान की प्रतियां लेकर उस पर खतरे का जिक्र कर रहे हैं। पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की साजिश की जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि मुरैना में कल राहुल गांधी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने संविधान की प्रतियां लहराई थी। तीसरे चरण के चुनाव से पहले अब आरक्षण के साथ साथ संविधान का भी जिक्र शुरू हो चुका है, इस पर भी सियासत गरमा रही है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो आप सुनिए, उसके बाद भूपेश बघेल ने भी इस पर क्या कुछ कहा, कैसे बीजेपी को घेरा वो भी आपको सुनाएंगे। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, संविधान को बदलने की जो बात कर रही है और लगातार सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत मुद्दे पे हाथ डाल दिए। उनका पहला मुद्दा 400 पार वो खत्म हो गया, दूसरा वो जो घोषणा पत्र में कांग्रेस में नहीं था वो मुस्लिम लीग और मंगल सूत्र पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा ये आरक्षण के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो बदल नहीं सकते, मतलब आप उससे भी बड़े हो गए, इतना अहंकार प्रधानमंत्री जी का। तो ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पैरों की जमीन, पैरों तले जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, ये बात दो चरणों के चुनाव से स्पष्ट हो गया। तो सुना आपने, एक तरफ कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, बीजेपी केंद्र में आ जाएगी तो संविधान को बदल कर रख देगी, आरक्षण को लेकर भी सियासत हो रही है। और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा, उन्हें ये कहना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। अमित शाह ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया।
तो देखा आपने, तीसरे चरण के चुनाव से पहले अब मुद्दे अचानक से बदल गए हैं। अभी तक जिस मंगलसूत्र की बात हो रही थी, जहां संपत्ति की बात हो रही थी, विरासत की बात हो रही थी, तीसरे चरण से चुनाव से पहले अब बात हो रही है आरक्षण की, अब बात हो रही है संविधान की। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी केंद्र में आएगी तो संविधान को बदल कर रख देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक को इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। दूसरी तरफ पीएम मोदी भरी सभा से कहते हैं कि मोदी तो क्या, अगर खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो भी आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। एक अलग तरह की सियासत, और इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं, इस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ न्यूज एट शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले तो सर समझना चाहेंगे कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले आरक्षण और संविधान शुरुआत कहां से हुई सर, क्योंकि मोहन भागवत जी को भी इस पर बोलना पड़ा, प्रधानमंत्री ने खुद इस पर बड़ी बात कह दी कि अगर अंबेडकर जी भी आ जाएं तो भी आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। तीसरे चरण के चुनाव के पहले मुद्दे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले दक्षिण भारत में एक रैली में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो कहीं ना कहीं एक और बड़ा मजबूत पलटवार कांग्रेस की तरफ उन्होंने इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक जीवित हूँ धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण का कोई भी लाभ और कोई भी सहूलियत मैं नहीं दूंगा, यानी धर्म के आधार पर आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होगा। आरक्षण का आधार सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग की तरफ ही रहेगा, यानी दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग जो इसके पात्र हैं उन्हीं को मिलेगा। और ये कहकर उन्होंने ये भी निशाना साधा है कि कांग्रेस की मंशा है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण देकर, ऐसा उनका आरोप है कि वो तुष्टिकरण की उसी नीति पर आगे बढ़ना चाहती है, जो बीजेपी का आरोप है कि वो आरंभ से कांग्रेस उस नीति पर चलती रही है। तो आपने ये ठीक कहा, लेकिन प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा आरोप है कि मैं कांग्रेस की मंशा है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण बांटे, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सही बात है कि आरक्षण का विषय कांग्रेस ने उठाकर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में और उसके आनुषांगिक संगठनों में या संघ की तरफ से पूर्व में जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस विषय को लेकर थोड़ा आशंकित रहती है कि ये विषय कहीं गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं बढ़ जाए। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इस विषय को बहुत आक्रामक तरीके से उठाने की कोशिश की है। और अब अमित शाह जी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़ी कार्रवाई की बात की और कड़ी कार्रवाई शुरू भी हुई कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। और अब मुझे लगता है कि आरक्षण पर हमको तीसरे चरण में दोनों पक्षों के बीच में वार प्रतिवार के और सघन दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर सर, बहुत धन्यवाद आपका विश्लेषण करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।